आज के वीडियो में हम लोग अपना एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। तो वंदे मातरम, मैं आरबी पांडे कुलपति ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करें। तो जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन है वो कहता है कि प्रति अवकलज बताना है, वो भी कैसे, निरीक्षण विधि से। तो मैंने इसके ऊपर एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने समझाया था कि कैसे निरीक्षण विधि से हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे प्रति अवकलज यानी समाकलन बताना है, लेकिन डायरेक्ट नहीं बल्कि निरीक्षण करना है और वैसे बताना है। तो एक नंबर क्वेश्चन अपना ये है, आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे बनता है। देखिए सबसे पहले एक नंबर ये क्वेश्चन है sin 2x, तो निरीक्षण विधि से बनाना है। तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि साइन एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता था, तो हम लोग को ध्यान आएगा तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता था। तो वो कि कोई बात नहीं है कि माइनस साइन एक्स होता था, इतना क्लियर है ना कि कॉस का साइन होता था। तो वहीं से शुरू करेंगे। अब इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे चूँकि डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या, cos 2x। अगर cos x का माइनस साइन x होता था तो cos 2x का भी साइन के ही रूप में आएगा और 2x भी आ जाएगा। तो cos 2x हम लोग ले लेंगे यहाँ से। अब ये क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन 2x, लेकिन 2x का डिफ्रेंशिएशन फिर से होगा तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन आप लोग का क्लियर होगा या आसानी से काम हो जाएगा। ठीक है, और पिछले वीडियोज अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको आगे बढ़ जाता हूँ। तो अब क्या करना है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन अगर कोई दूसरा फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन ये होता है। हमसे सवाल -2 sin 2x का नहीं पूछा गया है, हम लोगों से सवाल पूछा गया है कि sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, प्रति अवकलज क्या होगा निरीक्षण विधि से। तो हमें सिर्फ यहाँ पे sin 2x चाहिए, बाकी सब को इधर भेज दीजिए। तो उसको हम लोग देखें तो -2 इधर आएगा, तो -1/2 d/dx और अंदर क्या हो गया cos 2x और बाहर क्या है sin 2x। ठीक है, काम हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बाकी। क्या, तो हमें d/dx के अंदर में सब कुछ चाहिए होता है, तभी हम कह पाएंगे कि इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। अभी ये बाहर है, इसको अंदर लेके चलिए। तो आगे बढ़ें तो ये हो गया d/dx और यहाँ पे हो गया -1/2 cos 2x, ठीक है, is equal to sin 2x। अब हम आ गए अपने मुद्दे पे कि यदि इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन ये है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका इंटीग्रेशन यानी इसका प्रति अवकलज क्या होगा, ये होगा, यानी इसका अवकलज अगर ये है तो इसका प्रति अवकलज वापस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया देयरफॉर sin 2x का प्रति अवकलज, यानी कि एंटी डेरिवेटिव्स आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंटी डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगा, -1/2 cos 2x है, यानी कि sin 2x का प्रति अवकलज क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, -1/2 cos 2x। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का जो है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि cos 3x क्या दिया हुआ है, cos 3x, हालांकि बहुत ही सिंपल है, आप लोग जानते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो cos 3x है, देखिए तो cos 3x है, तो हम लोग को फिर सोचना है कि cos x किसका होता था, तो sin x का होता था, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता था। तो 3x है तो sin 3x ले लेते हैं, चूँकि सोल्यूशन इसका हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, चूँकि d/dx ऑफ cos 3x, सॉरी साइन का, क्योंकि cos मंगाना है ना, तो sin 3x is equal to क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं sin x का cos x होता है, तो यानी cos 3x, और क्योंकि 3x है तो उसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा तो 3 निकल जाएगा। ये बात तो आप पहले से जानते हैं और बहुत पहले ही हम लोग डिफ्रेंशिएशन में ही सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, हमें किसका चाहिए रिजल्ट, तो सिर्फ cos 3x इधर चाहिए, 3 को इधर भेज दीजिए, तो 1/3 d/dx और यहाँ पे हो गया sin 3x। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पे हो गया cos 3x, हमें रिजल्ट चाहिए cos 3x, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 1/3 को अंदर लेके चलिए, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। d/dx यहाँ पे हो गया 1/3 sin 3x और is equal to हो गया cos 3x। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो इस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन वापस ये है, यानी कि इसका प्रति अवकलज ये है, इसका अवकलज ये है, तो इसलिए इसका प्रति अवकलज ऐसा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसलिए cos 3x का
एंटी डेरिवेटिव्स यानी कि प्रति अवकलज, एंटी डेरिवेटिव्स यानी कि प्रति अवकलज क्या है? तो 1/3 साइन 3x है, बन गया आंसर। तो इसमें आप वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है e^2x। तो वैसे पिछले वीडियो में हम लोग e^mx शायद देख चुके हैं, तो उससे आपको समझ में आसानी से आ भी सकता है, फिर भी इसको देख लीजिए। तो e^2x है, तो हम लोग जानते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन सेम में हो जाता है। तो सबसे पहले आसानी से हम लोग लेके चलेंगे अपना, चूँकि d/dx ऑफ e^2x का ही लेकर चलेंगे। तो ये कितना हो जाता है, e^2x, और 2x का एक बार 2 हो जाएगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। हमें चाहिए e^2x चाहिए, तो इस 2 को इधर भेज दिए, तो फिर वही बात यहाँ पे हो गया 1/2 और d/dx, और यहाँ पे हो गया e^2x इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ बच गया e^2x, क्योंकि ये 2 नीचे आ गया। अब फिर वही पिछले जैसे अभी तक देखे आप लोग क्या करना है, हमें d/dx के बगल में सब चाहिए, तो इसको अंदर लेके चलें, तो d/dx और यहाँ पे हो गया 1/2 e^2x इज इक्वल टू हो गया e^2x। यदि इसका अवकलज ये है तो इसका प्रति अवकलज ये होगा, इसका अवकलज अगर ये है तो इसका प्रति अवकलज ये होगा। तो इसलिए हम लिखेंगे e^2x का एंटी डेरिवेटिव्स यानी कि प्रति अवकलज, एंटी डेरिवेटिव्स यानी कि प्रति अवकलज, ये हर बार लिखना है। प्रति अवकलज क्या है, तो 1/2 e^2x है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर क्वेश्चन है ax plus b का होल स्क्वायर क्वेश्चन हम लोग को दिया है। तो देखिए ax plus b का होल स्क्वायर दिया है ना, तो हम लोग ये बात तो जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन में घटता है, यानी x स्क्वायर अगर किसी चीज़ का डिफ्रेंशिएशन है तो इसका मतलब कंफर्म होगा कि वहाँ पे x क्यूब आया होगा, तभी ना x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाता है, तो x स्क्वायर कैसे मिलेगा, तो x क्यूब लेंगे। उसी तरह यहाँ पे होल स्क्वायर होते हैं, यानी क्यूब लेके चलना होगा, ये तो श्योर है हम लोग को। तो चूँकि d/dx हम लोग किसका लेके चलेंगे, तो ax plus b का होल क्यू का। अब कुछ बच्चे यहाँ पे सोचते हैं सर आपको तो पता था आप होल क्यू ले लिए, हम कैसे लेंगे। तो अगर डिफ्रेंशिएशन का बेसिक आप अच्छे से किए हैं तो आपको क्लियर देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ होगा, तो कम से कम क्यू यहाँ पे हुआ होगा, तभी उसका वो स्क्वायर आया है, ठीक है। यहाँ पे क्यू होगा तभी यहाँ पे स्क्वायर आया था। अब चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन लेके चलेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा। तो इसके अनुसार सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये 3 बाहर आ जाता है, तो 3 और इस चीज़ का होल स्क्वायर यानी कि ax plus b का होल स्क्वायर, और क्योंकि ये x की जगह ax plus b होता है तो इसका एक बार फिर से डिफ्रेंशिएशन होता है, तो उसमें से a निकल जाता है। तो मैं यहाँ पे a नहीं लिख के सीधे यहाँ पे लिख देता हूँ 3 into a ax plus b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, ये तो चाहिए नहीं, तो इसको नीचे भेज देना है, तो इसको हम लोग नीचे भेज देंगे, तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हो गया 1/3 a और यहाँ पे हो गया d/dx और इधर हो गया ax plus b का होल क्यू इज इक्वल टू ax plus b का होल स्क्वायर। अब इसको आगे लेके चलें तो यहाँ पे हो गया d/dx और ये हो गया ax plus b का होल क्यू और ये 1/3 है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 a, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मैं साफ से इसको लिख दूँ, देखो ये हो गया d/dx और 1/3 a इंटू ax प्लस बी का होल क्यू, ठीक है। इसको मैं एक साथ कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया इक्वल टू ax प्लस बी का होल स्क्वायर। हमें करना क्या है, तो जिस चीज़ का पूछ रहा है ना उसको सिर्फ इधर छोड़ना है, बाकी सब को एक तरफ कर देना है, और वो भी d/dx के इधर। तब जाके आप कह सकते हैं कि इसका अगर अवकलज ये है, यानी इसका डेरिवेटिव अगर ये है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो जाएगा, यानी कि इसका प्रति अवकलज ये हो जाएगा। तो इस हिसाब से देयरफॉर ax प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रति अवकलज यानी कि प्रति अवकलज यानी एंटी डेरिवेटिव्स प्रति अवकलज, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव शॉर्टकट में लिख देता हूँ एडी, एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/3 a ax प्लस बी का होल क्यू है आंसर। तो यहाँ पे आपको जो नोट करना है वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए।
आइए हम लोग चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है साइन 2x माइनस 4e to the power 3x। तो देखते हैं इसमें दो है तो इसको आपको आसानी करने के लिए एक एक लेकर चलिए और आसानी से बनाइए। तो सबसे पहले साइन 2x का आप बनाएंगे, तो साइन 2x का अभी भी पीछे बनाए थे फिर भी आपको एक बार दिक्कत हो तो मैं यहाँ पे सामने बना के दिखा देता हूँ। जैसे चूंकि d/dx हम जानते हैं cos का साइन होता है, तो d/dx cos 2x लेकर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अभी भी पीछे भी देखे थे तो पहले cos 2x का माइनस साइन 2x और फिर 2x है तो उसका एक बार हुआ तो 2 निकल गया तो माइनस 2 साइन 2x हो गया। और हमें क्या चाहिए, सिर्फ साइन 2x चाहिए तो इसको इधर लेके आ गए तो इम्प्लाइज दैट यहाँ पे हो गया माइनस 1/2 d/dx और यहाँ पे हो गया cos 2x इज इक्वल टू साइन 2x यहाँ पे हो गया। ओके अब ये क्या करें, माइनस 1/2 को अंदर लेके चलें तो d/dx और ये आ गया यहाँ पे माइनस 1/2 cos 2x। ठीक है, और यहाँ पे हमारा साइन 2x है, इसको हम लोग वैसे ही रख लिए। उसके बाद जब हम लोग देखें कि यहाँ साइन 2x का ये काम हो चुका है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, ये है, तो हम लोग को क्लियर हो गया कि साइन 2x का प्रतिअवकलज क्या है, ये ऐसा होता है। तो चलिए ये एक काम हो गया, साइन 2x का प्रतिअवकलज ये होता है, ये हम लोग अभी पीछे भी देखें और यहाँ भी क्लियर हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे e/3x तो चूंकि d/dx और e/3x का क्या हो जाता है, तो e/3x का हो जाएगा 3e to the power 3x। ठीक है, अभी भी पीछे बहुत सारा e/ का भी देखें तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 1/3 को इधर भेजिए तो 1/3 d/dx e/3x इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ बचा e/3x। हम लोग खाली e/3x सिर्फ क्यों लेकर चल रहे हैं, ये 4 को यही रहने दीजिए, ये तो कांस्टेंट है तो इसका आप पता चल जाएगा, तो इसको तो वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं इम्प्लाइज दैट ये चला जाएगा अंदर तो d/dx और यहाँ पे हो गया 1/3 e/3x इज इक्वल टू e/3x। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, तो इस पूरे क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे मैं एक बार पहले लिख दूँ, इसलिए साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव यानी प्रतिअवकलज क्या है, -1/2 cos 2x है। और यहाँ पे मैं लिख दूँ कि इसलिए e/3x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, तो 1/3 e/3x है। अब इन दोनों बातों को अगर समराइज किया जाए, यानी इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 अगर मान लिया जाए, तो इस पूरे क्वेश्चन के लिए देयरफॉर साइन 2x माइनस 4e to the power 3x का एंटी डेरिवेटिव यानी कि प्रति अवकलज क्या होगा, तो वो हो जाएगा ये दोनों का जो चिन्ह है उसके साथ में, तो पहले ये है तो -1/2 cos 2x माइनस, उसका 4 कांस्टेंट था इसको ले लिए और फिर जो आया था इसका क्या, तो 1/3 यानी 4/3 इसको हम लिख सकते हैं e/3x है। तो इस तरह से आप इसे आसानी से अलग अलग करके बना सकते हैं और इस तरह से आसानी से बन भी जाएगा। वीडियो को पॉज करिए और इसमें से जो नोट करना है उसे नोट कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग अपना यहीं तक छोड़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 से जो है वो अलग पैटर्न है, वो अलग हो जाता है और यहाँ तक हम लोग को निरीक्षण विधि से बनाना था। मुझे उम्मीद है आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, फिर भी कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका समाधान जल्द से जल्द मिल सके। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।